के लिए बने वो काम करेंगे ना सर, हम जो काम के लिए बने वो काम करेंगे ना। सरकार के अंदर में तो सरकार बोलेगा कि मेरे तरफ से आप वोटर को ये कीजिए कि हमको वोट दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा सर। सरकार का हम गुलाम नहीं ना सर। नहीं नहीं, ये दहेज सिस्टम का तो 1961 में बंद हो चुका है और तभी से नियम बनते आ रहा है, 1986 तक बना है, 304 में उसका संशोधन हुआ है। तो फिर आप हमको अभी दहेज और बाल विवाह के लिए अभी कर रहे हैं, भूल गए? ऐसा कहीं होता है सर? आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो चुका है और हम अभी दहेज बंदी और बाल विवाह बंदी कर रहे हैं, तो बच्चा को क्या पढ़ाएंगे? तो जब भारत का सामाजिक रूप से बहुत सारा कुरीति है ना सर, हम लोग सब मिल के पूर्ण रूप से जो है मानव श्रृंखला का विरोध करते हैं सर। आप ये बात को ऊपर तक पहुंचा दीजिए। हम लिख के क्या देंगे? आप हमको लिखित रूप में चिट्ठी दीजिए तो बात नहीं कर सकते आप हमको कोई काम से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, आप तो ये बात करके डरा रहे हैं हम लोग को, बिल्कुल डरा रहे हैं। सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश कहेगा बंदूक लेके सीमा पर चल जाने के लिए, चल जाएंगे? नहीं ना होता ऐसा। समाज में बहुत सारा कुरीति, आप वोट बैंक के लिए कुछ भी कर दीजिएगा तो हम मान जाएंगे। सरकार का आदेश में नोटबंदी हुआ तो हमको बैंक में कहाँ घुसा दिया? अच्छा काम किया तो हमको कहाँ इन्वॉल्व किया उसमें? आपको जो बंदी करना है कीजिए, हमको कहाँ इन्वॉल्व करते हैं? नहीं सर, हाँ अच्छा कर रही है लेकिन हमको उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। हमको क्या जोड़ रही है रोड पे? हम उसके अंग है तो हम जिस चीज के लिए वो बने वो ना काम करेंगे। अब डीएसपी को दे देगा स्कूल में पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने आएंगे सब दिन? हाँ, बच्चे समाज से आते हैं ना, तो समाज में अगर कोई भी काम होगा तो सब काम हम ही करेंगे क्या? समाज में ट्यूबवेल नहीं है, बढ़िया पानी है, पेयजल नहीं है, खराब पानी निकलता है तो हम ट्यूबवेल गलाने जाएंगे? बाथरूम नहीं है तो बाथरूम बनवाने जाएंगे? तो छोड़ दीजिए स्कूल दूसरे का जिम्मा में दे दीजिए सर। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दे दीजिए स्कूल संभालने के लिए, हम लोग समाज संभालते हैं। समाज में रहना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।